मैनेजर साहब, कितनी बार बोला मैं आंख में लेजर लाइट नहीं मारने का? मैं क्या भेड़ बकरी दिख रहा हूँ तुमको? दिन रात इज्जत दे रहा हूँ तो सर पे ही बैठ रहे तुम। इतने शोर शराबे में मेरी आवाज सुनाई नहीं देती, इसीलिए लाइट मारी। आवाज सुनाई नहीं देती तो मशीन पर चढ़कर कान में चिल्लाओ। पहले मेरा दिमाग खराब करते, बाद में मेरे को छनकी बोलते। वो सब छोड़ो, नीचे उतरो, बात करनी है। क्या है बोलो? जूनियर वेलफेयर ऑफिसर की जगह मिस स्मिता ज्वाइन हुई है। तुम्हें उनके साथ मिलकर काम करना है, इसलिए उनसे मिलवाने आया हूँ। स्मिता मैडम, श्रीनु। हाय श्रीनु। श्रीनु सर। श्रीनु सर। श्रीनु सर। स्मिता मैडम। हाँ स्मिता मैडम। हाँ मैडम, मैं श्रीनु, इधर का यूनियन लीडर। हाय श्रीनु, आई एम स्मिता। मैडम हाथ गंदा मेरा। कोयले की खदान में काम करके तो हाथ गंदे ही होंगे ना। कोई बात नहीं, हाथ मिला सकते हो। मिलकर अच्छा लगा। भाई आपने नोटिस किया, जब आप यूनियन लीडर थे तो बुड्ढे शुड्ढे वेलफेयर ऑफिसर आते थे, और जब से ये यूनियन लीडर बना है तो अप्सरा जैसी वेलफेयर ऑफिसर आई है, और वो उसके साथ हाथ मिलाकर उसका हाथ छोड़ने को तैयार नहीं है। आपने कभी ऐसे हाथ मिलाया? बेटा सैदुल। हाँ भैया। तू यहाँ नया है क्या? एक बार ये नौकरी पकड़ लेते ना तो रिटायर होने तक हटते नहीं है। अगले साल फिर चुनाव होगा, और हमारी किस्मत अगर अच्छी रही तो अगली बार तो हम ही जीतेंगे। फिर तो भाई आप भी हाथ सहलाओगे। मैंने ऐसा बोला क्या बे? काम कर अपना। अरे की कहीं का। ये चिपक काय को रही है, उधर मुंह करके सो जा। चिपक मत मेरे को, वैसे गर्मी से दिमाग खराब हो रहा है, लात मार के बाहर फेंक दूंगा तेरे को। लगता है आजकल ज्यादा ही गर्मी हो रही है। हाँ हो रही है। मेरे पास आने की जरूरत नहीं। तेरे पास काहे को आऊंगा मैं? हाँ मत आना। अरे कभी पास नहीं आऊंगा, अनपढ़ जाहिल बेवकूफ। हाँ सारी पढ़ाई लिखाई तो तुमने की है। कोयले की खदान में हाथ तो गंदे होंगे। उधर भी क्लियर है। शुरू हो गई है। हाँ ब्लास्ट शुरू हो गया है। हाँ ठीक है ठीक है, मैं बता दूंगा। इसे बारूद भरने को एक घंटा लगेगा सर। हाय मिस्टर श्रीनु। ठीक है श्रीनु। हाँ श्रीनु को बुलाना प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। हाँ रेडी। अरे वहाँ मैडम आई है पीछे। कौन आई है? मैडम। हाय। नमस्ते मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप इधर कैसे? कुछ खास नहीं श्रीनु, मैनेजर ने कहा कि तुम मुझे खदान की पूरी सैर करवाओगे तो मैं यहाँ पर आ गई। हाँ हो जाएगा। एक बात कितनी बार बोलना पड़ेगा? हाँ भाई एक जरूरी काम आया है मेरे को, मैडम को खदान दिखाने की है, मैं जाकर आता हूँ। आप मैडम को संभालो भाई, मैं काम संभाल लूंगा। मतलब काम की फिक्र मत करो। चलो। नहीं नहीं श्रीनु यहाँ बैठो। मैं 30 साल से काम कर रहा हूँ, आज तक किसी ने मेरे साथ ऐसी बात नहीं की। ये कौन होता है मेरी दारू बंद करवाने वाला? जी ए श्रीनु नीचे। क्या रे ये सब ड्रामा क्या चल रहा है? हाँ पैदा बाबू को दारू छोड़ने क्यों बोला? वो पिएगा, वो पिएगा, काम पर भी आएगा और तू कुछ नहीं बोलेगा। समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं? यूनियन लीडर बन गया तो खुद को मालिक समझने लग गया। पटनायक भाई तुम लोग क्या प्लान बनाकर आए ले मेरे को कुछ नहीं मालूम, पर गिरेबान पकड़ कर गलती कर दिया। अब ऐसा करो एक नजर पीछे मुड़ कर देखो, अगर मैंने इनको इशारा कर डाला ना तो खदान में दफन कर देंगे। क्या बोलते भाई लोग? अरे पागल है क्या, मजाक भी नहीं समझता क्या? अरे कॉलर तो मैला हो गया है, वही तो मैं चेक कर रहा था। हाँ अरे मुझसे कह दिया होता मैं धुला देता ना। अरे तू हमारा लीडर है, हीरो दिखना चाहिए। ए बड़ाओ दोबारा पी के आया ना तो दूंगा तेरे को। सब लोग एक बात समझ लो, अगर काम पे कोई पी के आया ना तो उससे पूछे बिना उसकी टांगे तोड़ दूंगा। समझ में आया कि नहीं? अब चलो अपने अपने काम पे, मैं शाम को मिलता हूँ। ए चलो। ओ पटनायक भाई सलाम मारना भूल गए क्या? नमस्ते भाई। भाई नमस्ते। चल साइड। ए चीचा तुम रुको, तुमसे कुछ बात करने की है। क्या तुम है सब जी? काम पर लगो।
दो बेटे ना तुम्हारे? हाँ तो छोटे वाले का नाम क्या है? कार्तिक। वो बहुत आवारा गर्दी करता दिखता मेरे को, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता क्या? तुमको क्या करना है उससे? वो डॉक्टर बन सकता है मालूम? तुमको तो पता ही है 10वीं में मेरा 503 मार्क आया था। दारू के नशे में बाप हाथ तोड़ लिया और मजदूरी मेरे को करनी पड़ रही है। तुमको भी अपने बच्चे को मजदूर बनाने का क्या? उनकी जिंदगी काय को खराब कर रहे हो? जाओ नशा उतरेगा तो काम पर आ जाना। और सुनो, अगर दारू पिए बिना काम पर तुम्हारे हाथ पैर कांपने लगे ना तो तुमको वॉलेंट्री रिटायरमेंट दिलवा दूंगा और पैसे बच्चों के नाम पे बैंक में रखवा दूंगा। फिर तुमको जो करना है करो, बच्चों की लाइफ सेट हो जाएगी। जाओ अब डूबो नशे में। तुम जैसे लोग लगता है बच्चों से मजदूरी कराने के लिए पैदा हुए हो। कैसी बुढ़िया ऑफिसर थी, क्या उसने आपके साथ कभी बैठ के खाना खाया? अपने कैबिन में बैठ के खराटे मारती थी। और इस हसीना को देखो, श्रीनू के साथ चिपक रही है, देखो उंगलियां चाट चाट के उसके डब्बे में से खाना खा रही है। आपको कुछ दिखाई नहीं देता क्या? ए, तेरा मुंह बंद नहीं होता क्या? सब देख रहा हूं मैं। मुंह बंद कर और चुपचाप खाना खा, समझा? ए नर्सिंग, मैडम के लिए एक और डोसा लेकर आ रहे। नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए इतना काफी है। अब मैं ये खा लेती हूँ और तुम मेरा टिफिन खा लो, ट्राई करके देखो। हे आदि, मैडम अपना बॉक्स मेरे को दी, खाओ ना। क्या मैडम, तुम भी? क्या, ये डबल रोटी बीमारी में ही खाता हूँ, मैं नहीं खाऊंगा इसको। ये डबल रोटी नहीं है श्रीनू, ये वड़ा पाव है। मुंबई में लोगों का एक वक्त का खाना है ये। इसको बड़ा बोलते, छोटा ही है तो। रुको रुको, मैं दिखाती हूँ। देखो एकदम आसान है ये। इस तरह से पाव को लो और इसके बीच में वड़ा रखो और हो गया, खाने के लिए तैयार। चलो मुंह खोलो। भाई उसने डबल रोटी लाई, उसे खोला, उसपे कुछ डाला और उसे ऐसे खिला रही जैसे कोई दूध पीते बच्चे को खिला रही हो। अबे सैदुल, तुझे आज ना मैं चांद से मार दूंगा। चुपचाप खाना खाना। मुझसे तो देखा नहीं जा रहा। कैसा लगा? बहुत अच्छा है मैडम। ये देखो, इस सॉस के साथ खाओगे तो और भी टेस्टी लगेगा। अब कैसा लगा? ये चटनी तो और भी अच्छी मैडम। चटनी नहीं, सॉस है। कैसे जंगली की तरह खा रहे हो, पूरे मुंह में सॉस लगा लिया, पूरे बच्चे हो। हाय, इसने तो अब इसका मुंह भी चाट लिया। ठीक, मुझे बहुत गिना रही है। आप ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? अबे कब से पक पक किया जा रहा है, मुझे खाना भी नहीं खाने देगा क्या? श्रीनु जी, आपके बेटे के अच्छे नंबर नहीं आए हैं। He's not performing well. इसे अभी और मेहनत करनी होगी। आपको इसकी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पढ़ाई काहे को नहीं करता तू? ये होशियार है मैडम, यूनियन के काम में बिजी था, भूल के ध्यान नहीं दे पाया। अब मैं ध्यान दूंगा मैडम। चल जल्दी चल। बच्चों के अंदर माँ बाप दोनों के सारे गुण आते, तू जाहिल अनपढ़ इसलिए तेरा बच्चा भी पढ़ने को नहीं पा रहा। घर पे मेरे को चैन से जीने नहीं देती, अब बाहर भी जीने नहीं देगी। गवार जाहिल, इसको क्लास में बिठा और तू जा घर। अरे ये बुढ़ा हमें बुलाकर कहाँ चला गया? दारू पीने गया होगा। क्या पढ़ना है भाई, तुमको भी मैडम ने बुलाया क्या? और भाई कैसा है तू? हाँ मैं अच्छा हूँ। मैडम बुलाई मेरे को। आ जाओ ना अंदर, आप बड़े किस्मत वाले हो। कौन है? मैडम मैं हूँ, श्रीनू। ओ श्रीनू, अंदर आ जाओ ना। मैडम बुला रही मेरे को। ए तू दरवाजे पे खड़े रह। गुड इवनिंग मैडम। हाय गुड इवनिंग, अंदर आओ। श्रीनू दरवाजा बंद कर दो प्लीज। मैडम बोली दरवाजा बंद करने को। ऐसा क्या? ओ बाप। भाई ये क्या हो रहा है, जब कोई लेडी ऑफिसर के कमरे में जाता है उसे दरवाजा खुला रखना चाहिए ना। आप तो दरवाजा खुला रखते थे उस बूढ़ी मैडम के साथ। क्या हो रहा है ये? वो ठहरी मुंबई की मैम,
ये ठहरा गांव का छोकरा, अंदर घुसते दरवाजा बंद कर दिया, क्या बात है? पता नहीं अंदर क्या गुल खिलाएंगे लोग, दरवाजे में होल भी नहीं है, देखो कहां से। अरे सैदुल सुन ना, इधर आ, तेरे को एक बात बताता हूँ। क्या बे? अरे भाई, अबे तो उसका आदमी है कि मेरा? हाँ, एक बार और बोला ना तो बाल्टी से मारूंगा। भाई आप भड़क क्यों रहे? चुप कर। मैं तो बस यहाँ पर जो रहा है वो बता रहा हूँ, आपको फर्क नहीं पड़ता है। बैठ जा, चल खसक। श्रीनु, सारी 120 फाइलें और उनके चेक्स तैयार कर दिए हैं मैंने, तुमने जो लिस्ट दी थी उसी के हिसाब से किया है सब, एक बार देख लो। थैंक यू मैडम, आप तो बहुत जल्दी काम कर दी। इतनी देर से अंदर क्या कर रहे हैं? सब कुछ सही है मैडम, लेकिन पैदा बाबू का नाम किधर नजर नहीं आ रहा। ये पैदा बाबू कौन है? मतलब वो रतन चीचा का। वो नाम तो है उसमें, उनका अमाउंट भी बड़ा है, ऐसे छूट नहीं सकता, वही लिखा होगा, मैंने खुद अपने हाथ से लिखा था। कहाँ है? कुमार स्वामी, मनोहर नरेश, कहाँ गया? ये रहा। अरे इधर ही तो लिखा हुआ है, मैं भी ना, मेरे को दिखाई नहीं पहले। पता नहीं किधर को देख रहा था। नो प्रॉब्लम श्रीनू, कोई बड़ी बात नहीं है। तो तुम चेक ले जाओगे? हमेशा की तरह डिपॉजिट कर दो, मैं सबको बोल दूंगा। दरवाजा खुला ही छोड़ दो शीनू, बहुत गर्मी है आज। अब इसको गर्मी लग रही है, पहले का ठंड लग रही थी। ओ पैदा बाबू, इधर को, खुशखबरी देनी तुमको। अब क्या है? इंश्योरेंस का चेक आया है, 1,90,000। अब क्या करोगे? तुम ही सलाह दे दो, क्या करना है? देखो, कार्तिक के लिए बाइक खरीदो, कॉलेज जाएगा, डॉक्टर बनेगा। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ चीचा, तुम ऊपर देख रहे हो। एरोप्लेन ढूंढ रहा हूँ। एरोप्लेन? हाँ, मैं कार्तिक के लिए खरीदने की सोच रहा हूँ। हाँ, अगर कार्तिक डॉक्टर बन गया तो मैं उसे प्लेन दूंगा, वो रोज प्लेन में बैठ कर लंदन जाएगा, मैं उसे लंदन में ही पढ़ाऊंगा। पैसा मेरा है, जो जी में आया करूंगा। पहले तूने मेरी दारू बंद करवाई, अगर कार्तिक डॉक्टर नहीं बनाना तो तेरी खैर नहीं, ये बात याद रखना, तुझे प्लेन में बिठा कर उड़ा दूंगा। चल रहे। अरे ये कैसी बकवास कर रहा है भाई? अरे छोड़ना, चीचा की खसक गई है। अरे मैडम, आप बोलो मैडम। सुन श्रीनू, यहाँ आसपास कोई अच्छा शॉपिंग मॉल है क्या? है ना मॉल मैडम, इधर ही चाहे सामने ही, मैं अपनी फटफटी पे आकर तुमको दिखाता हूँ ना। नहीं नहीं नहीं, तुम मेरे साथ आ जाओ, बाइक की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। ठीक है मैडम, जैसा आप बोलो। पापा चाय।